पृथक पृथक कर दूर दूर कर देंगे। अभी बहुत समीप थे ये, अब इनको क्या कर देते हैं दूर दूर। जैसे ही इनको दूर करेंगे तो इस वस्तु पर ये जो आवेश था इधर जो एकत्रित था वह एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार ये जो अनावेशित वस्तु थी वह ऋण प्रकृति से आवेशित हुई है, जबकि जो आवेशित वस्तु थी उस पर आवेश कैसा था धन प्रकृति का, और इस पर आवेश कैसा उत्पन्न हुआ है ऋण प्रकृति का। आप देख रहे हो इस पर कैसा है धन का और इस पर कैसा उत्पन्न हुआ है ऋण का। तो हम कह सकते हैं कि प्रेरण प्रक्रिया में सदैव आवेश विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है और परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है दूसरी वस्तु पर। जो अनावेशित वस्तु है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है परंतु वह परिमाण में समान रहता है। क्या रहता है वो परिमाण में समान रहता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसका तीसरा मेथड, तीसरा मेथड है संपर्क विधि द्वारा आवेशन। संपर्क विधि में अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है संपर्क में रखा जाता है। जब जैसे कि ये कोई आवेशित वस्तु है, इस पर धन आवेशित है मान लीजिए, और समान आकार की एक और वस्तु इसके संपर्क में रख देंगे। जैसे ही हम ये अनावेशित थी, पहले ये अनावेशित है, ये आवेशित थी ये, तो और इस पर आवेश क्या है जीरो मान लो ये ए है और ये बी है, ये क्यू ए, इस पर मान लो क्यू है और ये क्यू बी जीरो था। तो जब इसको जैसे संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा, इस वस्तु का ए का आधा आवेश बी पर चला जाता है और आधा आवेश कहां रह जाता है ए पर। यानी दोनों की दोनों वस्तुएं हमारी समान प्रकृति के आवेश के साथ आवेशित हो जाती हैं, ये ए और ये बी, इन दोनों पर आवेश चला गया। ये चला गया इन पे आवेश ए और बी। अब ए को और बी को जब पृथक किया गया, अलग अलग किया गया, तो ए बी धन आवेशित है और बी भी क्या है धन आवेशित। ध्यान दें यहां पे ये ए वस्तु और ये बी वस्तु, इस पर आवेश की मात्रा क्या है, कुल जो आवेश है उसका आधा, मतलब कुल आवेश कितना है, इस पे तो जीरो, इस पे क्यू है तो जीरो प्लस क्यू क्या रह गया क्यू, तो आधा कितना होगा क्यू बाई टू, और इस पर भी क्या हो गया क्यू बाई टू। अब ध्यान दें यदि दोनों वस्तुएं समान आकार की हैं तब तो उन वस्तुओं पर कुल आवेश का आधा आधा भाग हो जाता है, जो भी कुल आवेश था आधा आवेशित पर चला जाएगा रह जाएगा और आधा अनावेशित पर रह जाता है। यदि वस्तुओं के आकार समान नहीं है तब आवेश वितरण उनकी त्रिज्या के अनुसार होता है, Q प्रोपोर्शनल टू R। अगर अनुपातिक बात की जाए तो क्यू ए बटा क्यू बी बराबर आर ए बटा आर बी। और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यहां से कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर निकलवाया, जैसे क्यू ए पे निकलवाया गया तो क्यू निकाय, अभी बताऊंगा निकाय क्यू निकाय क्या है, यहां आर ए, ये ए है यहां तो आर ए ऊपर और आर ए प्लस आर बी। यदि b का निकाल रहे हो तो यहां rb आ जाता है, बाकी डिनोमिनेटर जो का त्यों रहेगा यहां पे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें हाँ क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई a वस्तु है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इस पर आवेश है 15 कूलम प्लस का 15 कूलम,
और एक वस्तु है बी, हाँ कोई वस्तु है ए जिस पर 25 कूलम 25 कूलम आवेश है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और एक अन्य वस्तु है बी मान लो इस पर आवेश है 15 कूलम 15 कूलम, इस पर कितना है 25 कूलम और इस पर कितना है 15 कूलम, इसकी त्रिज्या मान लो है 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वस्तुओं को संपर्कित करने के पश्चात ए पर आवेश की मात्रा और बी पर आवेश की मात्रा बताइए। तो मैंने क्या बताया आपको, ए पर निकालना है तो क्यू निकाय, तो पहले क्यू निकाय निकालेंगे। क्यू निकाय क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी मतलब 25 प्लस 15 कितना हो गया 40 कूलम 40 कूलम, ठीक है। अब उससे क्यू ए हो गया तुम्हारे पास क्यू निकाय कितना है 40, आर ए आर ए कितनी है 10, आर ए प्लस आर बी 10 प्लस 30 कितना हो गया 40, तो 40 से 40 खत्म तो क्यू आ गया तुम्हारे पास 10 कूलम। मतलब जब इनको संपर्कित कर दिया जाएगा तो संपर्क करने के पश्चात जब उनको पृथक पृथक किया जाएगा तो ए पर आवेश क्या आ जाएगा 10 कूलम, बी पर आवेश की बात करें क्यू बी तो क्यू निकाय तो वही 40, अब आर बी आ जाएगा ऊपर आर बी कितना है 30 और ये 40 40 40 कैंसिल तो क्यू बी रह गया कितना 30 कूलम। इनको संपर्कित करने के पश्चात बी पर आवेश रह जाएगा कितना 30 कूलम और ए पर रह जाएगा कितना 10 कूलम। चलो आपके लिए एक होमवर्क है और अब आप बताएंगे इसमें, मान लो ए पर तो यही आवेश है और बी पर माइनस 15 कूलम आवेश है, इसकी त्रिज्या आर है और इसकी त्रिज्या है 2r, तो आपको बताना है कि संपर्कित करने के पश्चात ए पर आवेश की मात्रा क्या होगी और बी पर आवेश की मात्रा क्या होगी।